नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है साल का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबर को। OSSSC ने नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर के पदों के लिए मांगे आवेदन। ओडिशा अधीनस्थ चयन आयोग ने नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर के करीब 1300 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। OSSSC की तरफ से 28 दिसंबर 2020 को जारी आयोग की वेबसाइट www.oss.sc.gov.in पर विभिन्न पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिनमें से नर्सिंग ऑफिसर के 266 पद, रेडियोग्राफर के 521 पद, फार्मासिस्ट के 501 पद रिक्त हैं। इच्छुक उम्मीदवार 30 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। रोहतास के मंझार कुंड और धुआं कुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मंझार कुंड और धुआं कुंड एक जलप्रपात या झरना है जो अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पहाड़ से गिरते पानी को देखना एक अलग ही रोमांचक एहसास होता है और इसी को देखने एवं प्राकृतिक खूबसूरती का एहसास करने बिहार से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटक आते हैं। पर्वत पर गांव नदी पर पानी एक धारा बनाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए मंझार कुंड के जलप्रपात में इकट्ठा होता है। वहीं मंझार कुंड की कुछ दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरने वाले पानी से उठते धुंध को लेकर उस स्थान को धुआं कुंड का नाम मिल गया है। यह स्थान युवा एवं सभी के बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। बिहार के सभी जिलों में खोले जाएंगे मोटर ड्राइविंग स्कूल। अब बिहार के नौसिखिया वाहन चालकों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बिहार के सभी जिलों में जल्द ही मोटर ड्राइविंग स्कूल को खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य के सभी 38 जिलों में कुल मिलाकर 61 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे नौसिखिया वाहन चालकों को कुशल वाहन ड्राइविंग का प्रशिक्षण मिल सकेगा। वहीं निजी क्षेत्र के संस्थानों व्यक्तियों को रोजगार का एक बड़ा अवसर भी मिलेगा। निजी क्षेत्र में इच्छुक संस्थानों या व्यक्तियों को इसके लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इसी क्रम में बोधगया में 2 निजी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए आवेदन दिए गए हैं। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 474 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 252,400 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 197 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सारण में 31 तो वहीं बेगूसराय में 22 मामलों की पुष्टि हुई है। बिहार के कई इंटर कॉलेज को मिलने वाला अनुदान का रास्ता हुआ साफ। बिहार के कुल मिलाकर 599 कॉलेजों और 16 माध्यमिक विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2014-16 से अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करेगा। इस संबंध में इंटर कॉलेजों और माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान वितरण की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही इन शिक्षण संस्थानों की संबद्धता के लिए निर्धारित मापदंडों की पूर्ति के लिए अंतिम तारीख को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद इन संस्थानों में विद्यार्थियों को नामांकन की अनुमति मिल गई है। पश्चिमी मध्य बिहार में कुहासे का दिखा असर। प्रदेश भर में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन और रात के तापमान में 2 डिग्री तक का इजाफा देखा गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसकी मुख्य वजह चक्रवाती प्रभाव से बादल का छाना है, जिसके बाद अब रात के तापमान में हल्की गिरावट की उम्मीद जताई गई है। जम्मू कश्मीर में बीते दिन भी बर्फबारी के व्यापक असर देखने को मिले, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी होने लगा है। नए सत्र में छठी क्लास से स्किल कोर्स की होगी शुरुआत। सीबीएसई नए सत्र 2021-22 में छठी क्लास से 3 नए स्किल कोर्स की शुरुआत करने वाला है। बोर्ड के इस पहल के बाद छात्रों में स्किल डेवलपमेंट की क्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। क्लास 6 से लेकर 11वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए नए सत्र में 3 नए स्किल सब्जेक्ट्स, डिजाइन थिंकिंग, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने का आदेश सीबीएसई ने सभी स्कूल को दे दिया है। पटना हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई को लेकर वकीलों ने जताई नाराजगी। कोरोना के माहौल के बीच 4 जनवरी से पटना हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार 15 जनवरी तक प्रत्येक कोर्ट रूम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को सुनवाई होने वाली है। इतना ही नहीं, एक दिन में 25 मुकदमों की सुनवाई की जाएगी, जिसको लेकर वकीलों ने नाराजगी जताई है। अगर कोई वकील प्रथम पाली में अपने मामले में हाईकोर्ट आकर फिजिकल सुनवाई में भाग लेता है, उसी वकील को अपने मामले की सुनवाई में दूसरी पाली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेना कठिन होगा।
बिहार में अब मिलेंगे थाईलैंड के बेर और वियाना के अमरूद। बिहारवासी भी अब थाईलैंड के बेर का स्वाद और वियाना के अमरूद का स्वाद चख सकेंगे। इसको लेकर भागलपुर के नवगछिया केलांचल और मकलांचल की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहां नारंगी मौसमी सेब और थाईलैंड के बेर की खेती की शुरुआत हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार नवगछिया के तेतरी पंचायत के किसान गोपाल सिंह ने इस नई संभावना को तराशा है। वो परंपरागत खेती के साथ साथ सेब, नारंगी, मौसमी, वीएनआर भी, अमरूद और पपीते की खेती कर किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मृदुला सिन्हा की। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मृदुला सिन्हा की। मृदुला सिन्हा का जन्म 1942 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। मृदुला सिन्हा एक भारतीय लेखिका और राजनीतिज्ञ थी, जिन्होंने अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वो गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। वहीं उनके पति का जुड़ाव भी राजनीति से था। मृदुला सिन्हा भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष भी थी। हालांकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। नए साल के अवसर पर समूचे प्रदेश में रहेगी पुलिस की निगरानी। बिहार में नए साल के अवसर पर परेशानियां उत्पन्न ना हो, इसके लिए प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में नजर आने वाली है, जिसके तहत 31 दिसंबर से 1 जनवरी को कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी के साथ थानेदारों को निर्देश जारी कर दिया है। वहीं राजधानी पटना, राजगीर और भागलपुर सहित अन्य जिलों के पिकनिक स्पॉट पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी। इतना ही नहीं, इस दौरान पटना सहित बिहार के सभी बड़े शहरों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। अब हर मंगलवार को लगेगा जनता दरबार। बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अब जनता दरबार का आयोजन करवाने वाले हैं, जिसके तहत अब तारकिशोर प्रसाद भी हर मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जनता दरबार में हाजिर होंगे और उनकी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे, जिसकी पुष्टि खुद तारकिशोर प्रसाद ने की है। जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उनका जनता दरबार अब हर मंगलवार को होगा और उसमें लोगों की परेशानी का निवारण होगा। दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण पर बढ़ा विवाद। दरभंगा एयरपोर्ट के नामकरण का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। मिथिलावासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, लेकिन इस एयरपोर्ट का अभी तक नामकरण नहीं होने के कारण इलाके के लोग अपने तरीके से नाम रखते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाराज धीराज कामेश्वर सिंह के नाम पर करने को लेकर लोगों ने मांग उठानी शुरू कर दी है। इससे पहले कवि विद्यापति के नाम पर रखे जाने को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है, हालांकि अभी किसी भी नाम पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बिहार को मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड। दिल्ली के विज्ञान भवन में बीते दिन बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया। बिहार को यह अवार्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों प्रदान किया गया। बिहार को यह सम्मान कोरोना संक्रमण में सरकार की तरफ से बिहार के लोगों को समय से राहत पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया है। बिहार की सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत रामचंद्र डू और एनआईसी के शैलेश कुमार को डिजिटल इंडिया अवार्ड देकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित क्या है। बिहार पुलिस में सिपाहियों के प्रमोशन करने के नियम में हुए बदलाव। बिहार पुलिस में कार्यरत सिपाहियों का प्रमोशन अब डायरेक्ट एएसआई यानी कि जमादार के पद पर नहीं होगा, क्योंकि बिहार पुलिस ने सिपाहियों के प्रमोशन का नियम बदलने का फैसला सुनाया है। सिपाहियों की प्रोन्नति के पुराने नियम को बदलकर अब नया नियम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नए नियम के अनुसार सभी सिपाहियों की प्रोन्नति पहले हवलदार के पद पर होगी, इसके बाद उन्हें एएसआई में प्रमोशन दिया जाएगा। हालांकि अभी साक्षर और असाक्षर सिपाहियों के लिए अलग अलग बहाली की जाती थी। बिहार में डैमेज कंट्रोल मोड में जुटी भाजपा। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच उपमुख्यमंत्री ने अब मैदान में उतरकर नीतीश कुमार का बचाव किया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने इस बाबत कहा है कि मेरा घर मजबूत है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा मुखिया मजबूत है और साथ ही साथ पूरा घर भी मजबूत है, तो इसे कौन तोड़ेगा। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए पूछा कि विपक्ष की क्या परेशानी है, यह विपक्ष ही जाने। उनकी सबसे बड़ी परेशानी ही यही है कि उनके पास कोई नहीं है। वो यह सोचते हैं कि हमारे मुखिया जो कि हमारे गार्जियन हैं, वो उनके साथ चले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अटकलों पर लगाया पूर्ण विराम। पिछले कई दिनों से राजद के तमाम नेता इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि शायद एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और शायद नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ हाथ मिला लेंगे, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही सामने से आकर सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग बातें कर रहे हैं उनकी बातों में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि राजद के दावे में कोई दम नहीं है, जदयू में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई बात नहीं है, सारे आरोप बेबुनियाद है।
नीरज कुमार ने तेजस्वी पर सत्ता के भूत के सवार होने की कही बात। बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने हाल ही में अपना बयान जारी करते हुए तेजस्वी पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि दागी तेजस्वी यादव को जनता बार बार दुत्कार रही है, लेकिन मचिया के दूत तेजस्वी यादव पर सत्ता का भूत हावी हो गया है। मगर इनके नेता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम बनने तक का ऑफर दे रहे हैं और खुद को मुख्यमंत्री बनाने की मिन्नतें कर रहे हैं, जो कि मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब से अधिक कुछ भी नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का नालंदा में हुआ भव्य स्वागत। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह बीते दिन नालंदा पहुंचे थे। आरसीपी सिंह नालंदा में अपने पैतृक आवास अस्थावा में मालती गए हुए थे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीते दिन पार्टी कार्यालय में उनके जन्मदिन की भी बधाई दी गई। इस मौके पर नालंदा के अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश के भी कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन आज ही के दिन से शुरू किया था। राजीव गांधी 1984 में 40 वर्ष की उम्र में भारत के 7वें प्रधानमंत्री आज ही के दिन बने थे। भारत और सार्क के दूसरे देशों के विदेश सचिवों ने 2003 में शिखर सम्मेलन से पहले वार्ता आज ही के दिन शुरू की थी। बिहार के मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण वल्लभ सहाय का 1898 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। अव्यंग लेखन के विख्यात साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का 1925 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय लेखक इतिहासकार श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े का 1926 में उन्होंने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। पुजारा के खराब फॉर्म को लेकर सुनील गावस्कर ने दी उन्हें सलाह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की है, जिसके तहत भारतीय टीम की खूब वाहवाही हो रही है। वहीं मैच के दौरान कुछ खिलाड़ियों की पारियों ने एक बार फिर से अपने प्रशंसकों को निराश किया है, जिसमें पुजारा का नाम शामिल है। वहीं उनके खराब फॉर्म को लेकर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि चेतेश्वर पुजारा को बैटिंग कोच विक्रम राठौर से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो इसी के लिए नियुक्त है। पुजारा ने कुछ शानदार गेंदों का सामना किया। एडलेड और मेलबर्न में वो जिस गेंद पर आउट हुए वो एक शानदार गेंद थी। ऐसी गेंदों पर बल्लेबाज बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। किसान संगठन और सरकार के बीच 4 जनवरी को होगी अगली बैठक। सरकार ने बीते दिन एमएसपी खरीद प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन पर एक समिति गठित करने की पेशकश की और विद्युत शुल्क पर प्रस्तावित कानूनों तथा पराली जलाने से संबंधित प्रावधानों को स्थगित रखने पर सहमति जताई। हालांकि किसान संगठनों के नेता 5 घंटे से अधिक समय तक चली 6ठे दौर की इस बैठक में तीनों नए कृषि कानून को निरस्त किए जाने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि अब 4 जनवरी को बातचीत होने वाली है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 4 विषयों में से 2 मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50% समाधान हो गया है और बाकी बचे 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को चर्चा होगी। रणबीर आलिया की सगाई पर रणधीर कपूर ने बताया सच। हाल ही में मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद इस साल के अंत तक रणबीर और आलिया एक दूसरे से सगाई करने वाले हैं, जिसके तहत दोनों जयपुर गए हुए हैं। हालांकि अब रणबीर के चाचा ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि अभी दोनों सितारों के सगाई करने की खबर पूरी तरह से गलत है और अगर दोनों सगाई के बंधन में बंधते भी हैं तो वो अगले साल ही संभव हो पाएगा। मीडिया हाउस को दिए एक बयान में उन्होंने कहा है कि यह सच नहीं है। यदि आज रणबीर और आलिया सगाई होती है तो मेरा परिवार, मैं भी उनके साथ होता। रणबीर आलिया और नीतू कपूर वहां छुट्टियां बिताने और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए हैं। उनके एंगेजमेंट की खबर गलत है। जियो मीडिया टेक ने किया सबसे बड़े ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट शुरू करने का ऐलान। अगर आपको भी ऑनलाइन गेम खेलने का शौक है तो आपके लिए यह खबर कुछ खास है। आरआईएल की डिजिटल कंपनी रिलायंस जियो और ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी मीडिया टेक 70 दिनों की ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता गेमिंग मास्टर्स शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में जियो का पहला गेमिंग इवेंट इंडिया का गेमिंग चैंपियन खत्म हुआ है। इस खेल का आयोजन जियो गेम्स के मंच पर किया जाएगा और पूरी प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण जियो टीवी, एचडी, ई स्पोर्ट्स चैनल और YouTube पर होगा।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,230 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,230 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,800 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय, अंजू कुमारी, रंजन कुमार, जीत राज, मनीष कुमार, संदीप कुमार, सुशांत सिंह, पंकज कुमार, सुरेंद्र राय, मिथिलेश यादव, रानी परवीन, निरंजन कुमार, मोहम्मद आलम, राकेश कुमार, अली हसन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार, जैसा कि आज साल का आखिरी दिन है तो हमारा सवाल भी इसी से संबंधित है, आपके अनुसार आपका यह साल कैसा गुजरा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।